Behavior of the sea is not the same every day. It's different. Temperamental. Give the spirit. Good. Good, Anuja. Good to see you, sir. Always. Same here. Thank you. And over the period of last 1.5 years, as in the photograph, we can see we were developed as a team through team building exercises, through games, the mental concentration, the mental energy through yoga and meditation, strengthening exercises. Moving on to the aspects of the current sailing expedition. This expedition is a long distance expedition wherein we have covered a total distance of 1,200 nautical miles in layman's term. When we set course for Andalore on 28th of March, reaching the destination, reaching to Karwar on 7th of April. Inspiration you are asking, Percy? Yeah. In fact, we are all on novices. हमने जब स्टार्ट किया था तो हम में से किसी को भी पहले सेलिंग आती नहीं थी. तो पिछले 1.5 सालों में जो हमने ट्रेनिंग करी है, दैट इज़ द प्रीकर्सर टू ऑल द इंस्पिरेशन विच वी हैव गॉट. वी आर हमने सब ने इस चीज़ के लिए वॉलंटियर किया हुआ है. एंड कुछ हम सबको एक चाह है एडवेंचर करने की, तो उस एडवेंचर के तहत हमने ये स्टार्ट किया है. एंड 7 एक्सपीडिशन ख़त्म करने के बाद ये 8वीं एक्सपीडिशन जब लंबी हुई, दैट टाइम हमने अपने जब लिमिट स्ट्रेच किए, तो हम लोगों को समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमने क्या अचीव करने के लिए हम लोग मे बी डिज़ाइंड है. तो दैट इज़ द बेसिक इंस्पिरेशन और दैट इज़ द अचीवमेंट आई वुड से कि जो हम लोगों को अब तक मिली हुई है. चैलेंजेस तो इनिशियली इस एक्सपीडिशन के दौरान हम लोगों को मेजर जो चैलेंजेस फेस हुए हैं, दे आर इन रिगार्ड्स टू द स्वेल्स एंड द विंड्स. एंड जितने भी ये आपको मैंने अभी बताया प्रेजेंटेशन में कि जितने भी हमारे फ़िशिंग नेट्स यहाँ पे जितने भी है अवेलेबल, तो वो जब किसी भी बोट में एंटेंगल हो जाते हैं तब बोट का मूवमेंट आगे नहीं हो पाता है. तो उस टाइम पे उसको वहाँ से निकाल के साइड करके अपना फिर से कोर्स रिज्यूम करना इज़ अ थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है. क्योंकि इस बोट का क्या है कि इसकी एक लंबी सी, आपने देखा होगा फोटोग्राफ में, इसकी एक लंबी सी कील बनी हुई है, जनरली वहीं फंस जाती है. एंड दैट इज़ एन डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस विच वी फेस. हैवी विंड्स में क्या होता है कि जो आपकी बोट है जो इतना एक्सप्रेशन करके आई है, सर्टन पार्ट्स टेंड टू गेट लूज. तो उस टाइम पे कौन सा पार्ट कब गिव अप कर जाता है, वो हैवी विंड्स में थोड़ा सा वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. उसके लिए वो जो रूटीन चेक्स होते हैं वो करने बहुत ज़रूरी है. सर के साथ सेलिंग करना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, बिकॉज ही इज़ अ ओल्ड हैंड एट सी. तो कैसे रूट प्लान करना, कैसे किसी चीज़ को नेविगेट करना, या सी को कैसे रीड करना, विंड्स को कैसे रीड करना, इन सब चीज़ों के लिए सर ने हमें बहुत हेल्प की है. एंड किसी भी चीज़ को बोट पे कैसे आसानी से करा जा सकता है, क्योंकि हम लोग लंबे डिस्टेंस के लिए जाएंगे, तो उस टाइम पे हमारा जो रिप्लेनिशमेंट्स है, जितने भी हमारा खाना पीना है जो हम कैरी करते हैं, जो सब्जियां वगैरह भी हम ले लेते हैं, वो ज़्यादा टिकेंगी नहीं है, मैक्सिमम 4 या 5 डेज. तो जब हम लंबे डिस्टेंस के लिए जाएंगे तो हाउ डू वी एनकाउंटर ऑल दीज इशूज़. तो वो सर के साथ रह के प्रैक्टिकल इशूज़ कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, वो सर ने हम लोगों को बड़े सिखाया है. आई एम स्कॉल्डर विभा, आई एम दी डेप्टी एक्सपीडिशन लीडर. और टीम के साथ जैसा कि जो भी आपने कहा, अगर हम सेलिंग की बात करें तो हम सब नए थे. अब अगर सेलिंग को एक आम आदमी की भाषा में बोला जाए तो सेलिंग में बोट हमारे पास है, विंड से हमें बोट चलानी है. अब उसमें बोट को चलाना हमारे हाथ में है, लेकिन विंड, समुद्र,
मौसम कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो जो ये टास्क है सेलिंग का, ये और भी चैलेंजिंग बन जाता है, क्योंकि आप जिन चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जब कोई भी चीज़ चैलेंजिंग होती है तो उसकी लर्निंग वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप एक टीम के साथ जा रहे हो, आपको तुरंत डिसीजन लेना है, आपको एक टीम की तरह उसको मनूवर करके उस मुश्किल से निकलना है ना। एंड ये सिर्फ इतना ही नहीं कि आप दिन में गए या निकल गया, ये 24 घंटे और 24 घंटे कहीं दिन में निकल जाते हैं। तो जैसा आपने अभी हमने जो 26 दिन का एक्सपीडिशन किया है, अब 26 दिन आप दिन रात शिफ्ट्स में ड्यूटी जब करते हैं ये सारी चीज़ें, तो टीम का जो एसोसिएशन होता है, इट इस कि आपका खुद का एज अ इंडिविजुअल आप नई चीज़ें अपने बारे में सीखते हैं। आप जब नेचर में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें नेचर के बारे में सीखते हैं, आप जब एक टीम के साथ जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें एक टीम के बारे में सीखते हैं। तो जो ये एक्सपीडिशन था हम सब के लिए, अगर आप इसको पूछेंगे कि पर्सनल लेवल पे, टीम के लेवल पे, हर चीज़ पे, जो हम अभी 26 दिन के बाद आए हैं, जो हम 26 दिन पहले गए थे और आज की डेट में आप पूछेंगे जो 26 दिन के बाद हम हैं, उसमें हमें खुद में भी अंतर फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हम भी एक बोट को लेके इतने लंबे दिन तक खुद एज अ टीम जा सकते हैं और सक्सेसफुल कंप्लीशन करके वापस आ सकते हैं। लाइफ में जिसको जिस चीज़ का मौका मिले एक्सप्लोर करने का, सेलिंग ही नहीं, जब भी आपको जो भी मौका मिल रहा है, हमारा ये मानना है कि आपको मौका ले लेना चाहिए। जैसे अब हम सब भी वॉलंटियर्स थे, हम में से हमने सेलिंग सुनी भी नहीं थी, कुछ ने कभी की भी नहीं थी, लेकिन ये मौका आया, हम सब ने लिया, और हर मौका आपको कुछ नया देता है, कुछ नया सिखाता है, और फिर ज़िंदगी तो चलती रहेगी, मौके जब मिले एंजॉय करिए। So, I am Squad Leader Vaishali Bhandari. I am from Indian Air Force and I am Major Srilekha. I am from Indian Army. Coming to the expedition, as we have already covered, the leaders have covered कि हम अभी लक्षद्वीप का expedition पूरा करके आए हैं. This was just a step ahead to what we are finally going to achieve. The expedition and जो experience है, मैं बोलूँगी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा. फेवरेबल विंड्स थे, बहुत अच्छी विंड कंडीशन थी, सी कंडीशन थी, एवरीथिंग वाज न्यू, और लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग वैल्यू बहुत ज़्यादा रही है, और नॉट ओनली दिस एक्सपीडिशन, एवरी एक्सपीडिशन इज़ अ गुड लर्निंग वैल्यू. सो आई हैव लर्नड लॉट ऑफ पेशेंस लेवल टीम. बिफोर दिस वी हैव डन 7 एक्सपीडिशंस, जिसमें हमारे साथ कुछ ना कुछ सपोर्ट रहता था, हमारे इंस्ट्रक्टर्स रहते थे या कोई एक सेल बोट साथ रहता था. बट दिस टाइम ये हमारा पहला इंडिपेंडेंट एक्सपीडिशन था, जिसपे सपोर्ट के नाम पे हमारे पास एक ग्राउंड सपोर्ट था जो कारवार तक ही था हमारे साथ. उससे उसके आगे लक्षद्वीप तक हम अपने ओन रिस्क पे गए थे, तो वहाँ पे हमने बहुत सीखा कि कैसे नेविगेट करना है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कैसे कोई डिसीजन लेना है, और एक टीम की तरह मिलके कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना है. तो इससे पहले तक हम थोड़ा वेट करते थे कि कोई हमें गाइड करेगा करना क्या है, बट अभी इस एक्सपीडिशन के बाद हमें पता है कि अगर किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो उससे बाहर कैसे निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, और पेशेंस रखते हुए काम माइंड से एक साथ मिलके उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना. आई एम मेजर तान्या बैनर्जी. आई एम पार्ट ऑफ द टीम ऑफ 12 एंड लर्निंग एज एन दिस इज द फर्स्ट टाइम सो मेनी वुमेन ऑफिसर्स ऑफ अस आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल. आवर ट्रेनिंग हैज़ बीन अ होलसम एक्सपीरियंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल रिस्पेक्ट्स. इन फैक्ट द kind of camaraderie and friendship that we have built in here, the challenges that we have faced together, dealing with situations, whether it is on board the boat or while during our training, it's an experience in itself. I'm Lieutenant Priyanka from Navy, and like Tanya mentioned, I think adventure activities and sports like this, they push you beyond your limits.
you would only realize how much you could do, how much better you can perform only when you face such situations. And it truly reveals your true potential and character. And you know, the bond homie, the friendships it creates, I think they are the last thing forever that are going to stay with us. And again, I would say that we all face difficulties in our phases of life, but we all should you know, try to have faith in ourselves, because it's us who can you know, help ourselves to come out of those situations, and you know, keep believing in ourselves. So I think we should just never give up on what we are planning or what we intend to do. Okay, I am Lieutenant Colonel M.K. Singh. I have been posted here for last almost 3 years, and I got this information about this, that we are planning, Indian Army is planning such and such thing based on the inputs which they received from one of the women officers team. Again, they were trained here and they did a short expedition from Vizag to Chennai to Vizag and back. So that was in almost March 2022, we got this input. And since then, we are on a spin, we are planning for this. And the planning stage was more difficult, because we knew that officers will come, then we had to schedule their training, select them. And how it happened that September 2022 onwards, we have conducted almost 3 courses. And in that, we had about 40 volunteer women officers who came. And out of that, we had initially selected 25 after a training of about 3 months. And then in the second phase, from 27, we brought it down to 18 officers. So then we had a 6 months training, and finally we have come down to a team of 12 officers, which will be final for this tri-services all women around the world sailing expedition. Primarily, it's like what we call as Nari Shakti. So we are giving an emphasis on that. But yes, the opportunity is there for everybody, and it is being given to men as well as women. But this specific expedition has been planned for women officers who will go around the world, and 24-25 we have planned this. So we had devised the syllabus, we had covered every aspect of the training which was supposed to be covered when it comes to going on sea, starting from navigation, communication, celestial navigation, then training them on the yacht individual parts and equipments. Basic sailing we started, then we upgraded to advanced sailing. So now, after almost 1.5 years of training, I am very confident about them. And that's how we have sent them on an independent expedition from Mumbai to Lakshadweep and back, and which they successfully completed with bright colors and bright feathers. So now I am hopeful that they will be able to undertake this expedition which we have planned for them. In future, we have more expeditions planned, and monsoon training is one of the toughest training which they'll undergo in next 2-3 months as the monsoon sets in. So we are also getting a 50-footer yacht, which will be, hopefully, it'll come by mid-May. So that yacht will be their main vessel for circumnavigation. So moment that yacht comes, their training will commence on that yacht. It's not very different, but yes, it's like a new vehicle on which they are shifting. They will need some time to get acquainted. And then again, they are on their own, and they will do whatever expedition we plan for future. Wait.